फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शैलेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आपको थोड़ा सा व्यू अलग दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग अपने होम टाउन आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई सेटअप नहीं है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का, और आज का जो प्रोडक्ट है वो हमारे चैनल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है अब तक का जो हम रिव्यू करने वाले हैं। यस, तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है सैमसंग 6.5 kg फुल्ली ऑटोमेटेड टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है मेरा किस तरह का वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो गाइस, फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स करने के पहले बता दूं कि इसकी जो पैकिंग है वो काफी अच्छे से आती है, सैमसंग अपनी पैकेजिंग के लिए जाना जाता है। तो गाइस, बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो काफी अच्छी पैकेजिंग है और यहाँ पे कई तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे डिलीवरी इसको लेना है और कैसे इसको रखना है, वो सब है। इसके अलावा अगर मैं इसको टर्न करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें ये प्राइस वगैरह दिया है, और इसकी जो प्राइस है वो 16,800 मेंशन है, पर हमको इतना ये नहीं पड़ा है, हमको काफी सस्ते में ये मिला है। ये मैंने जो परचेज किया हुआ है वो अमेजोन से परचेज किया हुआ है, और अभी आपको पता होगा कि जैसे इसकी डील भी चल रही है अमेजोन की, तो करीब करीब मुझे ये 12,500 रुपए का मिला है। इसके बाद इसके कुछ पावर सप्लाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अनबॉक्स करना काफी आसान होता है, सिर्फ आपको ये जो रोप लगी हुई है इनको निकालना पड़ता है, और इसको आप काटिए नहीं कभी, क्योंकि काटने से क्या होता है कि अगर आपको कल के दिन वापस अपनी वॉशिंग मशीन को शिफ्ट करना है तो फिर आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर आप इसको ऐसे ही रख लेते हैं तो आप इसको अगेन पैक करके वापस इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो गाइस, इसका हमने जो बॉक्स है वो रिमूव कर दिया है, अब मैं इसको चारों साइड से आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, ये इसका राइट साइड है, यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए ये मिल जाता है जिसको आप पकड़ के इजीली वॉशिंग मशीन को मूव कर सकते हो। इसके साथ किसी भी तरह का कोई व्हील्स नहीं आता है, तो अगर आपको व्हील्स चाहिए उसको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको जो व्हील्स है वो अलग से परचेस करने पड़ेंगे। इसका जो बैक साइड है, तो गाइस ये इसका बैक साइड का व्यू है जहाँ पर लगी हुई है पावर केबल, और जो ये पावर केबल है ये करीब करीब 2 मीटर की है। इसके बाद आपको नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्रेनेज पाइप है जिससे जो भी गंदा पानी होता है वो बाहर निकलता है। यहाँ से जो होता है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे जो भी आपका हॉट वाटर है या नॉर्मल वाटर है वो अंदर जाता है, तो बेसिकली इनपुट के लिए है ये। बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में भी आपको एक ये मिल जाता है जिससे आप इसको पकड़ के ऐसा मूव कर सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में आपको मिल जाते हैं सारे कंट्रोल्स, पावर बटन, स्टार्ट, पॉज और सारे ऑप्शंस जो भी आपको यूज करना है अपनी वॉशिंग के लिए। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है डायमंड ड्रम की, डायमंड ड्रम टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन के अंदर यूज हुई है। तो गाइस, अब ओपन करते हैं वॉशिंग मशीन को। इसके ऊपर जो ये बॉडी है ये ग्लास लगा हुआ है, एक शीट होती है जो कि इसके नीचे लगाई जाती है। इसके बाद इसमें हमको मिलता है एक ड्रेनेज पाइप। तो गाइस, इसकी जो लेंथ है करीब करीब 1 मीटर की है, अगर आपको इससे भी बड़ा ड्रेनेज पाइप चाहिए तो आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो करीब करीब 1 से 1.5 मीटर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए लेंथ कम है तो आप इसको बाहर से ऑर्डर कर सकते हो ज्यादा लेंथ के लिए। इसके साथ गाइस कुछ और इंस्ट्रूमेंट हमें मिलते हैं, तो जब भी आप इसको परचेस करोगे उसके बाद आपको सैमसंग इंडिया से कॉल आता है और वो अपना एक इंजीनियर भेजते हैं जो इसको वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करता है और आपको कैसे इसको यूज करना है वो सब कुछ आपको बताता है, और ये जो सर्विस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक जैसे ही आप खरीदते हो, जैसे मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, तो जैसे ही ये ऑर्डर डिलीवर होता है ऑटोमेटिकली सैमसंग के पास रिक्वेस्ट चली जाती है कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, आप अपना इंजीनियर भेजिए, तो आपको सैमसंग से कॉल आ जाएगा और उनका इंजीनियर आपके यहाँ विजिट के लिए पहुंच जाएगा। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वॉशिंग मशीन मैंने ऑनलाइन परचेज की हुई है और ये मुझे काफी अच्छी कंडीशन में मिली है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्क्रैच या कोई भी डेंट नहीं है। तो आप भी उसी तरह अमेजन या जो भी आप ऑनलाइन वेबसाइट से उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली सेफ है। तो गाइस, ये जो वॉशिंग मशीन है ये आती है डायमंड ड्रम टेक्नोलॉजी के साथ। तो डायमंड ड्रम की बात करें तो इसका जो भी ड्रम है वो इसको बोलते हैं डायमंड ड्रम, और एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। तो गाइस, जो डायमंड ड्रम होता है तो सैमसंग ऐसा क्लेम करता है कि इसके साथ जो भी कपड़े वॉश होते हैं वो काफी सॉफ्ट रहते हैं और वो कपड़े आपके जल्दी खराब नहीं होते हैं। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं डिटर्जेंट डिस्पेंसर की। इसमें आप अपना जो भी डिटर्जेंट है वो डालते हो, तो इसका फायदा एक तो ये होता है कि
इसके पीछे एक फिल्टर लगा होता है, तो आपका पानी भी एक फिल्टर होता है जो कि आपके कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जब आप इसमें डिटर्जेंट डालते हो तो वो ऑटोमेटिक घुल जाता है पानी के साथ और आपके कपड़ों पे किसी भी तरह का कोई दाग नहीं छोड़ता है। इसके बात करते हैं इस मैजिक फिल्टर की, एक ये मैजिक फिल्टर इसमें लगा हुआ होता है जिसका काम होता है कि जो भी छोटा मोटा कचड़ा होता है वो इसको इसमें ऐड करता चला जाता है। कुछ इस तरह खुल जाता है और इसके अंदर वो सारा कचड़ा इकट्ठा हो जाता है, बट इसको आपको क्लीन करना रहता है टाइम टू टाइम, लाइक वीक में आप इसको एक बार या दो बार क्लीन कर सकते हैं और इसका जो भी कचड़ा है वो सिंपली आपको निकाल के फेंक देना है। ये इस तरह से कुछ फिट हो जाता है। तो गाइस बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के लुक एंड फील की, जो काफी अच्छा है और काफी स्मूथी है। इसको क्लीन करना भी काफी इजी है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको आप ऊपर से क्लीन नहीं कर सकते। और इसका जो ग्लास है जो काफी स्ट्रांग बना हुआ है और क्लेम किया जाता है कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंस है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्क्रैच नहीं आता है। जैसे आप देख सकते हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको स्क्रैच करने का, इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्क्रैच नहीं आ रहा है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तो गाइस बात कर लेते हैं कंट्रोल पैनल की, तो कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाते हैं कई सारे बटन्स और इनको यूज करना भी काफी इजी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर रहता है पावर बटन, पावर नीचे रहता है स्टार्ट और पुश। तो अगर आप बीच में अगर इसको पॉज करना चाहते हैं तो आप उसको भी पॉज कर सकते हैं और उसको वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो फंक्शन है वो किस तरह के, तो इसमें तीन तरह की चीजें आप कर सकते हैं। आप इसमें कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं और खाली आप इसको स्पिन भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक ये है मॉनसून मोड। मॉनसून मोड होता है कि जब भी आपको ड्रायर ज्यादा चलाना है, मीन्स आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जल्दी ड्राई हो जाएं, लाइक इन जो भी रेनी सीजन होता है उसमें, तो उसमें आप ये चूज कर सकते हैं मॉनसून मोड। इसके बाद गाइस ये होता है वाटर लेवल, तो इसमें 1 to 5 इसमें वाटर लेवल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टाइम के लिए एक स्क्रीन मिल जाती है। इसके बाद होता है कि कितने तरह से आप इसको वॉश कर सकते हो। तो गाइस इसमें आपको मिल जाते हैं 6 टाइप ऑफ वॉशिंग साइकिल्स। तो बात कर लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल में आप जो भी आपके डे टू डे लाइफ के जो भी नॉर्मल कपड़े होते हैं वो जो कि आप वॉश करना चाह रहे हो वो आप इसमें नॉर्मल में यूज कर सकते हो। क्विक वॉश होता है उसके लिए जब आपको फटाफट वॉश करना है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्विक वॉश का यूज कर सकते हो। डेलिकेट्स के लिए होता है, जो भी आपके वूल्स वगैरह हैं या जो भी आपके कपड़े हैं जो जिनको एक सॉफ्ट वॉशिंग चाहिए, उसके लिए आप ये वाला मोड यूज कर सकते हैं, सोक प्लस नॉर्मल। इसके बाद एक होता है एनर्जी सेविंग और उसके बाद होता है इको टब क्लीन। तो इस तरह आपको कुल मिला के 6 वॉशिंग साइकिल्स इसमें मिल जाते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें, इसके राइट साइड में एक हमको वार्निंग्स दिया गया है कि क्या क्या हमको नहीं करना है। तो लाइक फर्स्ट वार्निंग है, देर इज डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक लीकेज एंड फायर। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसको आप टच ना करें चलते हुए, और जो भी मेटल बॉडी है उसको टच ना करें, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपको कभी भी करंट लग सकता है। सेकेंड जो इसकी वार्निंग है वो है कि देर इज ए डेंजर ऑफ एन एक्सप्लोशन और फायर, ये तो मतलब किसी भी डिवाइस के साथ हो सकता है। देर इज ए डेंजर ऑफ बर्न, बिल्कुल ये भी हो सकता है। देर इज ए डेंजर ऑफ इंजरी, तो इसमें इंजरी भी हो सकती है। डू नॉट वॉश वाटर प्रूफ क्लॉथिंग, तो जो भी आपके वाटर प्रूफ क्लॉथ है उनको आपको इसमें नहीं वॉश करना है। तो बेसिकली ये जो जनरल वार्निंग्स होती है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ आती है वो भी इसमें आई हुई है। तो गाइस इस जो वॉशिंग मशीन का है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसको लेके काफी अच्छा है और इसका जो लुक एंड फील है काफी बढ़िया है और इसकी जो फंक्शनलिटी है वो काफी अच्छी है। इसमें हमें काफी फंक्शंस मिल जाते हैं अपने क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी दिख रही है। अगर बात करें तो मेरे पास ऑलरेडी एक 7 kg फुली ऑटोमेटेड टॉप लोडेड सैमसंग की वॉशिंग मशीन है जिसको मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूँ, और एक सेम 6.5 kg वॉशिंग मशीन हमारे पास ऑलरेडी है जो करीब करीब 7 ईयर से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की, तो इसमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इस पे 2 साल की वारंटी रहती है और इसकी जो मोटर रहती है उस पे 10 साल की वारंटी सैमसंग के द्वारा दी जाती है। तो गाइस ओवरऑल अगर इसके बात करूं तो ये मुझे काफी पसंद आई है और इसकी सारी खूबियां मुझे काफी पसंद आई है, तो एक ये मस्ट बाय प्रोडक्ट हो सकता है अगर आपको जरूरत है एक वॉशिंग मशीन की, अगर आपके घर में 3 से 4 लोग हैं। और इसकी प्राइस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ये मुझे करीब करीब पड़ी है 12,500 रुपए की। अमेजोन से मैंने इसको परचेस किया है और जो अभी जो डील चल रही है उसमें मैंने इसको परचेस किया हुआ है। तो आप भी अगर चाहो तो अमेजोन से परचेस कर सकते हो, जो कि इसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोटिफिकेशन की बेल है उसको ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।